नमस्कार मित्रों, आज के इस सत्र में हम लोग आज अर्थ डे के अवसर पर इस सेशन का टॉपिक रखा गया है, रिवर डैम और क्लाइमेट चेंज। और हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर्स हैं उनमें नूपुर जी हैं। नूपुर जी बंगलोर में रहती हैं और क्लाइमेट चेंज पे इनका काम है, और ये एक संस्था से भी जुड़ी हुई हैं। इसका नाम है साउथ एशियन पीपल्स एक्शन फॉर क्राइसिस एंड क्राइसिस क्लाइमेट, इस नाम से है इनकी संस्था। और इसके अलावा ये मुंबई की युवा संगठन से भी जुड़ी हुई हैं, और इस समय वो हमसे जुड़ चुकी हैं। और हमारे दूसरे वक्ता होंगे ब्रह्मचारी आत्मोदानंद जी, जो थोड़ा सा बिजी हैं और उन्होंने कहा है कि वो जल्दी जुड़ जाएंगे हमसे। तो ये सत्र का समय शुरू हो गया है, तो मुझे लगता है कि हम नूपुर जी से शुरुआत करते हैं। नूपुर जी, आप हमें सुन पा रही हैं? नूपुर जी, हाँ, वो सुन रही हैं। अभी मेरी उनसे बात हो रही जी, तो किया थी। शुरू करें। जाए? जी, हाँ, नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है आज के लिए। आज की बात शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन तीन कहानियों से देना चाहूंगी। ये तीनों कहानियां किसी हद तक मेरी लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स या माइलस्टोन्स कह सकते हैं। मेरी सोच, मेरे गोल्स, मेरे ऑब्जेक्टिव सब कुछ इन कहानियों से बदल गए हैं। पहली कहानी है 2014 के आसपास। मैं और मेरे हस्बैंड बैंगलोर में रहते थे और हम लोग एनिमल वेलफेयर के लिए बहुत काम करते थे। कोई एक्सीडेंट प्रोन कुत्ता हो, गाय हो, तो हम उसका दवाई करते थे, हॉस्पिटल्स लेके जाते थे। मैंने और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने पिछले 10 सालों में कुछ 3,000 कुत्तों को सड़क से उठाकर उनका ऑपरेशन किया ताकि नए पपीज ना हों। और हम लोग काफी खुश थे। हम लोग हमारे काम में काफी मसरूफ रहते थे। अचानक एक दिन मेरे एक दोस्त का फोन आया और उसने बोला कि अरे, मुझे मेरी पार्किंग के नीचे एक छोटी सी बिल्ली मिली है, किटन है, उसकी आंख भी नहीं खुली, और कुछ आइडिया देना। और मैंने उस वक्त इतना आराम से उसको धत्कार दिया कि है बिल्लियां मेरा काम नहीं है, मैं कुत्ते के बारे में पूछ और मैं सब कुछ बताऊंगी, बिल्लियों के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। वो बात हंसी में हमने वहीं पे रख दी, बट मुझे कुछ वो बात ठीक नहीं लगी। अगर मैं अपने आप को एनिमल लवर कह रही हूँ तो मैंने ही अपने मन में ये दायरे बनाए हैं, मैंने ही अपने मन में लकीरें खींची हैं कि भाई, ये कुत्ता मेरा डिपार्टमेंट है, बिल्ली मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। ये कुछ ठीक से बैठा नहीं दिमाग में मेरे। दूसरी कहानी मेरी ये है, ये आई थिंक 2016 या 17 की बात है। मैं, मेरे हस्बैंड, हमारे दो डॉगीज और हमारे कुछ फ्रेंड्स, हम लोग एक जंगल में कैंपिंग के लिए गए थे। ओवरनाइट स्टे था, वीकेंड में जैसे टिपिकली हम अर्बन सिटी लोग जाते हैं। शाम को हम पहुंचे, कैंप सेट किया, खूब बातें बातें हुई, खाना हुआ। रात के 11:30 बजे सब अपने अपने टेंट में सोने को गए, पर किसी को नींद ही ना आए। 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे नींद ही ना आए। सब सोच रहे थे क्या है, फिर आपस में कैंप टू कैंप बातें हो गई। हमें इतनी शांति में बात करने की आदत ही, सोने की आदत ही नहीं थी, ये शांति में कोई सोए कैसे, थोड़ा तो ट्रैफिक का आवाज होना चाहिए ना। फाइनली 3:30 बजे किसी को आइडिया आया और उसने अपने मोबाइल में म्यूजिक लगाया और फिर उस म्यूजिक की आवाज से हम लोग सोए। ये सुबह उठे और हम लोग सब हंसी मजाक में कर रहे थे कि हम लोग कितने अर्बन पीपल हैं, कितने सिटी पीपल है, हमें ये जंगल वंगल में नहीं चलेगा, ये कैसे, हम लोग मजाक में कर रहे थे। जिसकी प्रॉपर्टी ही उनका केयर टेकर आया और उसने बातों में ही कह दिया कि मैडम, जंगल कभी शांत नहीं होता, जंगल चीखता है, चिल्लाता है, खिलखिलाता है, जंगल में बहुत आवाज होता है, जंगल शांत नहीं होता। कुछ साल पहले यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल इस्टेट खुला है, उसके बाद जंगल, हमारे जंगल की आवाज खत्म हो गई। तीसरी कहानी मेरी ये है, 2019 में अमेजोन में, ब्राजील में अमेजोन फॉरेस्ट में काफी आग लग गई थी। इट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट फॉरेस्ट फायर्स जो उस एरिया में देखा या पूरी दुनिया में देखा। उसके फोटोज देख देख कर मुझे
बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, मैं खा नहीं पा रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, रात को दिमाग में वही चक्कर चल रहा था। घर वालों से बात की, घर में जो बड़े हैं उनसे बात की कि मैं इस मेंटल ब्लॉक को कैसे रिजॉल्व करूं। फाइनली जब मैं खुद ही अपने आप को थोड़ा टेंशन संभाल नहीं पा रही थी, तब मैंने फाइनली एक साइकाइट्रिस्ट के पास गई और उसको मैंने कहा कि ये क्लाइमेट इश्यू है, मैं नहीं संभाल पा रही हूँ, मुझे हेल्प की जरूरत है। तो उसने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। निकलते निकलते उसने मजाक में कहा, तुम्हें ये मेडिसिन से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नेचुरल है, ये ऑस्ट्रेलिया के माइंड से आए हैं। आजकल गूगल हर एक जेब में है, मैंने फटाफट गूगल किया और तब पता चला December 2019 में ऑस्ट्रेलिया फेस द वर्स्ट बुश फायर्स इन द वर्ल्ड इन देयर लाइफ। एमेजोन से की हुई डिप्रेशन में ऑस्ट्रेलियन बुश फायर से नहीं बुझा पाऊंगी, ये मैं उस वक्त समझ गई। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ एज एन एकेडमिक क्वालिफिकेशन में, पिछले 12 साल से सस्टेनेबिलिटी इन रियल एस्टेट पे काम कर रही हूँ और मुझे रिसर्च पेपर्स पढ़ने का शौक है। शायद ही ऐसे कुछ रिसर्च पेपर्स हो क्लाइमेट रिलेटेड जो मैंने अब तक पढ़े ना हो। आज मैं अपनी बात, अपनी सोच क्लाइमेट चेंज और इंडिया के बारे में आपके सामने रखना चाहती हूँ। क्लाइमेट चेंज एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है और आजकल ऐसा शायद ही कोई हो जो इस विषय से परिचित ना हो। ये मेरी सोच है जो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे रख रही हूँ। हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं या पृथ्वी को बचाओ कहते हैं, तब हम पूरी पृथ्वी की बात नहीं कर रहे होते हैं। अगर आप देखने जाओ तो द हाइएस्ट दैट अ ह्यूमन बींग हैज गॉन एंड द लोवेस्ट दैट वी हैव गॉन इज हार्डली 20 किलोमीटर्स, और पृथ्वी का दायरा बहुत बड़ा है। हमारा इम्पैक्ट या हम हमारे क्लाइमेट या हमारे लाइफ को सिर्फ 0.001% ऑफ द एंटायर प्लैनेट पे देख रहे हैं। ये बहुत ही छोटा हिस्सा है एंटायर प्लैनेट का। तो जब हम पर्यावरण बचाने की बात कर रहे हैं या जो पृथ्वी बचाने की बात कर रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि हम जिस एरिया से वाकिफ रखते हैं, आइदर वो हवा में हो या जमीन के नीचे हो, वो हम बदल रहा है और हम उससे बचाना चाह रहे हैं। ये पूरी पृथ्वी की बात नहीं है। पृथ्वी में और खासकर एटमॉस्फियर में बहुत ही अमेजिंग लेवल से बैलेंस अचीव किया है पिछले हजारों लाखों सालों में। प्रिंसिपली हमारे पास तीन मेन जेट स्ट्रीम्स हैं जो इक्वेटर पे आती हैं, ट्रॉपिक्स पे आती हैं और फिर पोल्स पे आती हैं। ये तीन जेट स्ट्रीम एक स्ट्रेटोस्फीयर लेवल पे गोल गोल हाई इंटेंसिटी से घूमती रहती हैं और इस घूमने के कारण हमारा पूरे साल का वेदर डिसाइड होता है। वो आपकी बारिश हो, वो आपकी गर्मी हो, वो आपकी लू हो, वो आर्टिक में आने वाला सी आइस हो, या वो आपके ऑस्ट्रेलिया में आने वाले रेन्स हो, पूरा वेदर ये तीन स्ट्रीम्स डिसाइड करती हैं। और धीरे धीरे जाकर ये स्ट्रीम्स बदलने लग गई हैं। अगर आप नीचे वाला फोटो देखें उसमें ये स्ट्रीम्स गोल गोल घूम रही हैं, और अगर आप ऊपर देखेंगे तो इस साल मार्च महीने में जब टेक्सास में बर्फ स्नो स्टॉर्म हुआ था, वो इसी स्ट्रीम के टूटने के कारण हुआ था। आज के दिन पे ये स्ट्रीम्स पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी हैं। आज आपकी जेट स्ट्रीम की हालत ये है, एक समय में गोल गोल फॉर ओवर लैक्स ऑफ इयर्स घूम रही थी, आज एक पूरी तरीके से टूट चुकी है। इस टूटने के कारण हम जो भी बदलाव देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों में, वो इसके कारण है। ये बदलाव ऐसे अचानक से नहीं हुआ है, इसकी इंडिकेशंस हमें बहुत सालों से मिल रहे थे, हमें पता था ये होने वाला है। इनफैक्ट जो पिछले वाला डायग्राम था कि ये हो सकता है, ये कुछ 1970s या 80s में किसी साइंटिस्ट ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था। हम जानते हैं ये होने वाला, तो हम जानते हैं ये क्यों हो रहा है। 2013 से 2014 तक अगर आप सिर्फ एमिशंस की बात करें, तो हमने कुछ कहीं किसी भी देश ने किसी भी हालत में कमी नहीं की है। अगर हम मीथेन की बात करें तो हमारा कैलकुलेशन ही नहीं, इंडिया में स्पेसिफिकली मीथेन कैलकुलेट नहीं करते हैं हम, हमारा ग्लोबल इमिशन लेवल्स आगे बढ़ ही रहा है। तो ये जो भी हो रहा है, ये हमने जानबूझ के हमने हमारे साथ किया है। मैं अपने आप को बहुत एनिमल लवर मानती हूँ और 2002 में जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ तो मामा डैडी ने बोला कि चलो एक फॉरेन ट्रिप तो बनती है फैमिली के साथ। मुझे पता था
कि फ्लाइट लेने से कितना एमिशंस होता है। फिर भी हम लोग थाईलैंड गए, खूब मस्ती की, खूब अच्छे फोटोज खींच के वापस आए। 2011 में मुझे पता था कि स्नो आर्टिक जोन में इतना स्नो, इतना आइस कम हुआ है कि आजकल आप वहां के पोलर बियर्स को इमेंसिपेशन की प्रॉब्लम होने लग गई है, और ये एक फैक्ट था। अगस्त में मैंने 2011 में तो खूब धूमधाम से शादी मचाई। 2015 में जब मैंने पहला घर लिया था, उस दिन मैंने ये फोटो देखा। 2019 में रशियन गवर्नमेंट ने शूट एट साइट को ऑर्डर डिक्लेयर किया था, क्योंकि पोलर बियर्स धीरे धीरे उनके गांव में आ रहे हैं, और जो उनका कचरा है, जैसे अपने यहाँ कुत्ते और सुअर खाते हैं, वैसे पोलर बियर खाने लग गए हैं। ध्यान दीजिएगा कि पोलर बियर एक प्रोटेक्टेड स्पीशीज है, पर जब वो आपके घर आए तो वो कुत्तों की तरह ही आपने उसका ट्रीट किया। तो हम ये ना समझे कि हमें पता नहीं है कि क्या हो रहा है, हम ये समझे हमें पता होने के बावजूद हम ये काम कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी इज नॉट अबाउट अल्टरिज्म। सस्टेनेबिलिटी ये नहीं कि मैं पोलर बेयर को बचाऊं और मैं गंगा में डॉल्फिन्स को बचाऊं। सस्टेनेबिलिटी ये है कि मैं मेरी जीवित रहने की क्षमता को कंटिन्यूसली चालू रखूं। हम इसे महान काम ना समझे, हम इसे कोई बड़ा काम ना समझे, इसे सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट समझे। आज की रियलिटी क्या है अपनी, हम तो 2021 में हैं और हमारे सभी के दिमाग में कोविड के सिवा और कुछ शायद ख्याल नहीं है, पर जो फेस कर रहा है कोविड के बिना के इश्यूज, उनको पता है कि शायद कुछ बदला है, शायद गर्मी अलग है, शायद ठंड कुछ अलग थी। इस साल हमने बहुत फॉरेस्ट फायर्स देखे, हम उत्तराखंड में, उड़ीसा में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, गुजरात में फॉरेस्ट फायर्स की हमने कहीं कमी नहीं थी। हमने पानी की कमी ऑलरेडी शुरू करने लग गए हैं कोविड के लॉकडाउन के कारण, या ग्राउंड वाटर एडिटोरिएट होने के कारण आजकल टैंकर्स भी नहीं आ रहे हैं अपने घर में पानी। इनफैक्ट ग्लोबल स्टेटिस्टिक्स और ग्लोबल सर्वेज ये कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द कंट्री इज फेसिंग सम और द अदर फॉर्म ऑफ वाटर शॉर्टेज। सिर्फ इंसान पानी नहीं पीते, बहुत कुछ और चीजों के लिए पानी की जरूरत होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भैया शेर ने पानी पिया या भालू ने पानी पिया, पानी आपके खेतों में जाता है, और अगर खेतों में पानी नहीं गया तो कल का खाना कहाँ से आएगा। अगर जंगलों में वो पौधों ने पानी, पेड़ों ने पानी नहीं पिया, तो फॉरेस्ट फायर तो आएंगे ही ना, वो कहाँ जाएंगे फिर। हम हर एक साल कुछ एक नई माइलस्टोन क्रॉस कर रहे हैं। पिछले साल की बारिश अच्छी थी, पिछले साल की बारिश ने नुकसान बहुत किया, पर इन टर्म्स ऑफ प्योर नंबर्स वी हैड अ नॉर्मल रेनफॉल। तो अभी इतनी पानी की परेशानी क्यों आ रही है? और अगर ये पानी की परेशानी, कमी आ रही है, तो ये कहां से आ रही है? अगर आप आज कोई भी नदी को देखो, कोई भी नदी पूरे भारत में देखो, हमने हमारी एक परछाई सी छोड़ रखी है। हर कुछ किलोमीटर्स पे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने एक बांध बांधा है, हमने कैनाल्स किए हैं, हमने उस पे ब्रिजेस बांधे हैं, हमने हर एक तरीके से उस नदी को कंट्रोल करने की कोशिश की है। जिस तरीके से वो जेट स्ट्रीम्स हवा में घूम के हमारा पर्यावरण मैनेज कर रहे हैं, उसी तरीके से नदियां भी पूरे साल अपने अपने फ्लो के कारण इकोलॉजी को बैलेंस कर रही हैं। जैसे हमने नदियों को हमारे मुट्ठी में लाने की कोशिश की, हमारे कंट्रोल में लाने की कोशिश की, उन नदियों का काम कम होता गया। वो नदियों को फिर उस जंगल में नहीं जाना पड़ा, वो नदियों को उस फ्लड प्लेन्स में नहीं जाना पड़ा, और उस फ्लड प्लेन में रहने वाला और उस फ्लड प्लेन में इम्पैक्ट होने वाली चीजें हम भूलते गए। हम इस सिचुएशन पे अभी आज हैं कि हमारे पास एक नदी नहीं है जो नेचुरली फ्लो कर रही हो। हम आज इस सिचुएशन में हैं कि आज एक भी बूंद पानी का नहीं है जो हमारे पास नेचुरली आता हो। हमारा हर पानी एक ह्यूमन इंटरफेस के थ्रू जाता है, वो कैनाल्स हो, वो ब्रिज हो, वो पाइप्स हो, या वो मेरे घर में आने वाला कंटेनर टैंकर हो। अभी मई आने वाला है, सबने आई होप एसी का सर्विसिंग करा रखा हो। इस साल के हीट वेव्स और खासकर एक वेदर पैटर्न है लानी अलिनो करके, अलिनो इस साल एक्टिवेट हुआ है, और गर्मी हमारी कभी भी कम नहीं थी। इस साल की गर्मी थोड़ी ज्यादा ही होगी,
ये सिर्फ ग्लोबल इंडेक्सेस का कहना नहीं है, आईएमडी ने ऑलरेडी पिछले 10 दिन पहले ये डिक्लेरेशन दिया है. एक्सपेक्ट 4 to 5 to 6 डिग्रीज ऑफ हीट वेव्स ओवर योर नॉर्मल. तो अगर आपके यहाँ 44 डिग्रीज होने वाला है, 50 डिग्री तक जाना पॉसिबल है. 50 डिग्री में इंसान नहीं जिंदा रह सकता. 50 डिग्री में शायद कुछ कारें भी ना जिंदा रहें. 50 डिग्री में बहुत कुछ नहीं जिंदा रह सकता. हम हमारे घरों में, हम हमारे एयर कंडीशन मकानों में, ऑफिस में आराम से रह रहे हैं, बट शायद इस धरती में रहने वाले सभी जीवाणु को वो चांस नहीं है. जब आप इस चित्र को देखकर, अगर आपको ये सुंदरता दिख रही है, तो मुझे आपकी सोच समझने की जरूरत है. हम शायद हमारे कामों, हमारे क्रिएशन, हमारे क्रिएटिविटी को इतना एडमायर करने लग गए हैं कि हम उसके बियॉन्ड कुछ देख नहीं पा रहे हैं. हमारी एबिलिटी ये नहीं है कि हम क्या क्या कर सकते हैं. शायद हमारी एबिलिटी ये भी हो सकती है कि हम कैसे अपने आप को उस सिचुएशन में रख सकते हैं. एक वर्ल्ड बैंक की तरफ से, वर्ल्ड इकोनॉमिक बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन स्टडी आती है, रिस्क रिपोर्ट 2021. मैं कुछ स्लाइड्स इस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की आपके सामने पेश करना चाह रही हूँ. ये हर साल आती है. बेसिकली ये डॉक्यूमेंट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू इंडिया में होने वाले हर एक इशू, इंडिया नहीं, ग्लोबली होने वाले हर एक इश्यूज के ऊपर वो स्टडी करता है और उससे इकोनॉमिक्स और ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा उसके बारे में बताता है. ये है उनका ग्लोबल रिस्क लैंडस्केप. रिस्क लैंडस्केप मतलब जो क्या आपको बोथ इन टर्म्स ऑफ लाइकलीहुड एंड इम्पैक्ट, आपको किन चीजों से सबसे ज्यादा तकलीफ हो सकती है आपकी लाइफ या आपके इकोनॉमिक्स में किन चीजों से इंपैक्ट हो सकता है, इसके बारे में है. ये चीजें हैं जो 515 स्टैंड करती है बोथ इन टर्म्स ऑफ इंपैक्ट एंड इन टर्म्स ऑफ लाइकलीहुड. इंफेक्शियस डिजीज. नाउ कोविड इज वन इंफेक्शियस डिजीज जो हम शायद बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, बट अगर आप ह्यूमन इम्प्रिंट और ह्यूमन बिहेवियर की बात करें, तो ऐसा क्या हमने किया है कि अगला कोविड या अगला जूनोटिक डिजीज ना आए? क्या हमने ऐसा कुछ लाइफस्टाइल चेंज किया है एट अ ग्लोबल लेवल कि अगली बार, इस बार चमगादड़ नहीं तो किसी चूहे को हमने परेशान किया और उसके डिजीजेस हमें आए? कोविड से हमने क्या सीखा, ये शायद हमें सबको समझना चाहिए. क्लाइमेट एक्शन फेलियर मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि ये नहीं कह रहा है कि आप यहाँ बाढ़ आई इसीलिए आप मरे. क्लाइमेट एक्शन फेलियर स्पेसिफिकली टारगेट्स ह्यूमन फेलियर. अगर मैं आपको स्पेसिफिक एग्जांपल दूं, तो तुंगभद्रा नदी में दो डैम्स हैं. ये डैम्स पिछले 3 साल से हमेशा फ्लड के कारण कोलैप्स होने की सिचुएशन में आते हैं, और हर साल जो डैम अथॉरिटीज हैं बिना सोचे समझे, अरे तो टूट जाएगा, खोलो खोलो दरवाजे खोलो करके दरवाजे खोल देते हैं. नीचे क्या है, नीचे गांव है, नीचे जंगल है, कोई नहीं सोचता. और हर साल फॉर लास्ट 3 ईयर्स सांगली में, बैलगांव में फ्लड्स आ रहे हैं. ये बाढ़ के कारण नहीं आए, ये इसलिए आए क्योंकि तुंगभद्रा नदी को हमने कैप्चर करने की कोशिश की और उसको ये बात पसंद नहीं आई, और जब वो बहती है तब हमें डर लगना चाहिए. दैट्स क्लाइमेट एक्शन फेलियर. दैट इज व्हेन जब उत्तराखंड में इस बार ग्लेशियर फ्लड आया, क्या हमें पता नहीं था कि ये हाई वल्नरेबल एरिया है? हमें पता था पर हमने सोचा नहीं, हमने प्रिकॉशनरी एक्शन नहीं लिए, हमने क्लाइमेट अडैप्टेशन, क्लाइमेट मिटिगेशन स्ट्रेटजीज नहीं अपनाई और इतने सारे लोगों की डेथ हो गई. क्लाइमेट एक्शन फेलियर इज नॉट बिकॉज समथिंग बैड हैपेंड, इट इज बिकॉज वी डिड नॉट नो व्हाट टू डू व्हेन समथिंग बैड हैपेंस. बारिश होने वाली है, अगर हमें नहीं पता बारिश में क्या करना है तो ये हमारी गलती है. हीट वेव्स आने वाली हैं, अगर हमें नहीं पता कि हम उसके के बारे में क्या स्ट्रेटजीज करेंगे तो ये हमारी गलती है. एंड दैट इज योर क्लाइमेट एक्शन फेलियर. बायोडाइवर्सिटी लॉस, नेचुरल रिसोर्स क्राइसिस, ह्यूमन एनवायरमेंटल डैमेजेस, ऑल ऑफ दीज इश्यूज आर बेसिकली बिकॉज हम नेचर को समझ नहीं पाए हैं, और अभी शायद समझने के लिए काफी देर हो रही है. बाकी अगर आप इश्यूज देखो जो अगले इस साल में हमें इम्पैक्ट करेंगे, वो है डेप्थ क्राइसिस. डेप्थ क्राइसिस क्यों? क्योंकि अगेन हम हमारे इकोनॉमिक्स
को इस हद तक इंटीग्रेट कर चुके हैं अपनी लाइफस्टाइल के लिए कि एक छोटा सा इन्फेक्शन भी हमारे पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्टेबिलाइज कर सकता है। लाइवलीहुड क्राइसिस क्यों? आज भारत या पूरी दुनिया इस सिचुएशन में है कि अगर एक महीना भी हम काम करना बंद करें तो हम भूखे मरेंगे। सोशल कोहेसिव इरोशन, अगर हम भूखे मर ही रहे हैं तो गले मिलके तो नहीं मरेंगे, गुस्सा ही होने वाले हैं। वी आर इन अ सिचुएशन ऑफ आवर ओन मेकिंग। ये जो भी हमारी सिचुएशन है आज, कोविड से ले लो या गर्मी से ले लो या एनर्जी क्राइसिस से ले लो या लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड से ले लो, ये हमने किया है। दिस इज अवर कलेक्टिव एफर्ट्स। वेदर वी आर प्राउड ऑफ इट और नॉट इज एवरीबडीज पर्सनल चॉइस। शायद वो कोई होगा जो शायद खुश हो। हमें एक सीरियस सोच हमारे लिए डेवलप करनी चाहिए कि हम आगे क्या करना चाहते हैं। हम नए मोबाइल्स खरीदना चाहते हैं, नई गाड़ियां खरीदना चाहते हैं, या हम वो एक पेड़ बचाना चाहते हैं। आगे हम क्या करेंगे अपनी सोचें, और उससे ही कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे तो कुछ आगे बात बनने नहीं वाली। ये इमेज मुझे बहुत पसंद है। This is something called Show Your Stripes. अगर आप गूगल पे जाएंगे तो आपको ये एक वेबसाइट मिलेगी। आपका लोकेशन डालिए और ये आपको बताएगी कि पिछले 100 सालों में आपका वेदर कैसे बदला है। ये दिल्ली का है, फ्रॉम 1901। कभी ब्लू था, आज सिर्फ रेड पे रह गया है। That's it. That's all I wanted to share with you guys today. Thank you, Nupur ji. बहुत अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिया, और हमारे साथी जो हमारे बीच मौजूद हैं पार्टिसिपेंट, अब हम चाहेंगे कि अगर उनको कुछ प्रश्न पूछने हों तो वो अपने क्वेश्चन चैट में लिख के भेज सकते हैं या वो पूछ भी सकते हैं डायरेक्ट हमारे बीच जो साथी हैं। जिनको जिससे अगर ये आखिरी वाले स्लाइड में ये ब्लू और रेड का क्या इंडिकेशन है, मतलब वो टेम्परेचर है या क्या चीज है? जी, ये एक बेसिकली ये टेम्परेचर रिलेटेड ये है, पर इन्होंने CO2 और एमिशंस के बारे में भी थोड़ा कैलकुलेशन लिया है। बेस्ड ऑन आवर टेम्परेचर उन्होंने रेड से ब्लू करके कलर रेडिएंट किया है। सो द रेड शोज दैट इट इज द व्हाइट लाइंस इन बिटवीन आर जो नॉर्मल IPCC स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो कहा जाता है, वो टेम्परेचर को व्हाइट लाइंस पे डिनोट किया है। अच्छा, और ब्लू क्या है? उसमें ब्लू लाइंस भी है ना? ब्लू कूलर टेम्परेचर्स हैं। अच्छा, हाँ जी, एक सेकंड दीजिए। और वो जो तीन औरतों की जो फोटो इसके पहले दिखाई थी, वो सफेद सफेद क्या है, झाग है या क्या है उनके उनके जो उनको घिरा हुआ है, औरतें घिरी हुई है? 2019 की छठ पूजा है। ओ, छठ पूजा। अच्छा, मुझे वो पिक्चर बहुत ही पसंद आया था जब 2019 में हुआ था। ठीक, चलिए, अब मुझे लगता है कि पहले हम लोग ब्रह्मचारी आत्मबोधाना जी उसके बाद फिर और सवाल जवाब, या और किसी को कोई सवाल नूपुर जी से पूछना हो तो पूछ ले, फिर हम लोग आत्मबोधाना जी पे चलते। तो मुझे लगता है किसी का क्वेश्चन नहीं है कोई, मैं चैट में आ रहा है। तो वैसे मेरे पास एक 2 मिनट का सानंद जी का एक मैसेज है, कहिए तो उसको चला के फिर एकदम उचारी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
कोई कोई कह रहे बिल्कुल अरे अनिल जी अपना बंद कीजिए, अनिल जी अपना माइक बंद कीजिए, प्रवीण जी आवाज नहीं आ रही है, प्रोफेसर जी डी अग्रवाल की आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा Brought up in the Hindu way of thinking, and I feel that everybody has a destiny. And it was 3 years back that it dawned to me, as if my inner voice, that my whole life was only for this purpose. Either I die for it, or if I achieve it, then I have achieved my mission of life. As a Hindu, I believe that through tapasya, one can earn enough energy to affect even the whole universe. And so I decided to do the tapasya that I could do, and that was going on a path to death. Gangaji was brought down from the heavens to earth for removal of the sins, washing away the sins. And we believe that Gangajal is capable of removing all types of ills, physical ills, mental ills, and spiritual ills. And this sort of power is not there in any other water. So I would wish Gangaji to be conserved in its natural state. जी तो मैं चाहूंगा कि हमारे साथ ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद जी हैं, तो आत्मबोधानंद जी हाँ, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अब वो थोड़ा सा अपना परिचय दें। वैसे तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन अपने और साथियों को मैं बता दूं कि आत्मबोधानंद जी मात्र सदन आश्रम से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने बहुत लंबा शायद 196 डेज का अनशन रखा था, और गंगा जी के लिए जिस तरीके से सानंद जी ने बलिदान दिया है, उसी रास्ते पर वो भी बढ़ रहे हैं और बहुत लंबे लंबे अनशन रहते हैं। और उन्होंने अपना IIT में उनका कैरियर छोड़ करके उन्होंने इस रास्ते को अपनाया है कि तपस्या के माध्यम से, जैसा कि अभी सानंद जी ने अपने मैसेज में कहा कि तपस्या से बहुत कुछ परिवर्तित हो सकता है, उसी रास्ते पे ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद जी भी चल रहे हैं। पिछली बार जब मैं हरिद्वार गया था तो उनके साहस को, उनकी तपस्या को देखकर हम सब बहुत ही प्रभावित थे, और अब हमारे बीच तो जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि आत्मबोधानंद जी बताएं कि कुछ तरीके से वो इस जीवन में आए। एक वो केरल को बिलोंग करते हैं, और उन्होंने अपना बीटेक या करियर बीच में छोड़ करके किस तरीके से, क्या चीज़ उनको इतना प्रेरित की कि वो आश्रम की लाइफ में आए, और उनके पीछे ये प्रेरणा क्या है कि वो अपना जीवन भी दांव पे लगाने के लिए तैयार। आत्मबोधानंद जी हाँ, नमस्कार। नमस्कार पांडे जी, प्रवीण जी, नमस्कार जी, प्रणाम प्रणाम आपको। जब मतलब जब मेरा अकेडमिक चल रहा था, उसी समय में मतलब संन्यास लेने के
मन में एक भाव आया, तो उस समय ये नहीं जानता था कि मुझे गंगा जी के लिए काम करना होगा या ऐसा कुछ करना होगा। मैं तो चाहते, मैं देखा कि अपने ही जो लाइफ है, अपने ही जो आगे का करियर है, उसमें कुछ ऐसा कुछ चीज नहीं देखा कि जिससे दूसरे का भलाई हो सके, भले 10,000 लोगों को भला, मतलब ज्यादा से ज्यादा कुछ कर, पर उससे ऊपर उठ के कुछ करने का एक मतलब इंसान ही नहीं है ना, जीवन का मतलब इंसान ही नहीं है, और भी पेड़ पौधों से लेके सब चीज है। तो इस तरह से एक मेंटल एटीट्यूड हुआ। फिर क्या क्या होता है ना कि प्रकृति अपना डेस्टिनी लोगों से चलाता है, जैसे मेरा डेस्टिनी वो नहीं था, प्रकृति जो है जबरन मुझे फिर संन्यास की ओर लाया और मातृ स्तन से मिला। और इससे पहले तो कई सारे आश्रम तो देख चुके थे, कई सारे स्पिरिचुअल गुरु को तो मिल चुके थे, पर उन लोगों में वो डेडिकेशन नहीं देखा। जैसा होता है ना, जो कहते हैं कि आत्मा का प्रकाश जिनके अंदर है वो निडर होते हैं, उनको किसी चीज से भय नहीं होता है, केवल इतना है कि सत्य के रास्ते पे है। और यहाँ माते सहन से आया और यहाँ के जो संतों का जो बलिदान देखा, डिटर्मिनेशन देखा गंगा जी के प्रति, तो मन में ये हुई कि यही मेरा जगह है। और तब से लेके अब तक, और दूसरी बात यह है कि जितना जैसा अभी आज के टाइम है तो थोड़ा बहुत है, जैसे जैसे 10 साल पहले तक जो है प्रकृति के प्रति लोगों को उतना कोई लगाव नहीं था। जैसा मैं अपने ही लाइफ होता हूँ कि हाँ ठीक है, बेसिकली जो हो रहा है एक कैंपेनिंग जो चलते हैं वो तो सब सपोर्ट करते हैं, पर अंदर जाके कोई अपना जीवन को रिस्क करके प्रकृति, क्योंकि आज के टाइम में सबसे जरूरी चीज प्रकृति है। आप ही कोरोना देखिए आप, तो ये भी प्रकृति का ही एक हो गया। तो ऐसे देखेंगे तो माता में आया तो एक न्यूट्रल बिंदु मिला, जहाँ एक नॉर्मल आदमी अपना सेल्फिश इंटरेस्ट को भी छोड़ के जब एक बिंदु न्यूट्रल बिंदु पे सोचेंगे कि ये जो हो रहा है सही है गलत, जो गंगा जी के ऊपर ये जो बांध बन रहा है, जो माइनिंग हो रहा है, ठीक है एक आम आदमी कह सकता है कि हमको बिजली चाहिए, हमको मकान बनाने के लिए मटीरियल चाहिए, और वो भी छोड़ के एक न्यूट्रल बिंदु पे देखिए ये गलत है। क्योंकि यहाँ हरिद्वार का भी केस देखे, यहाँ हरिद्वार का जो माइनिंग होता है, यहाँ का माइनिंग के जितने मटेरियल्स है वो जा रहे हैं दिल्ली हरियाणा कई जगह, और यहाँ जो स्थानीय वासी है उनको तो माइनिंग की मतलब उन लोग को जो मटेरियल अगर चाहिए वो उनके लिए, कि हम हरिद्वार में जो कोई भी आते हैं तो एक फ्लाईओवर मिलेगा आज के टाइम, जो फर्स्ट फ्लाईओवर, केवल वो एक फ्लाईओवर के नाम पे करीब 400 करोड़ का खनन हो चुका है गंगा जी में 10 साल के बीच में, और वो पुल बना पिछले साल, और पिछले 9 साल जो है इसी के नाम पे 400 करोड़ तक का खनन हो चुका है। तो इतने तो डर भी रहे लोग क्योंकि उनका जान चला जाएगा। अब मामूली सी बात है, यहाँ जब आंदोलन होते हैं तो यहाँ हरिद्वार के भी कई सारे लोग आते हैं, स्टूडेंट्स लोग आते हैं, वो लोग आते फिर बाद में वो लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से एक चेतावनी चले जाते हैं कि आप इन लोगों के साथ मत रहिए, इन लोगों के इसमें मत पड़िए। तो डर भी है, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप एक इंडिपेंडेंट होकर अपने विचारधारा को, अपना आइडियल्स को रह के अगर जीना है तो आपको निडर होना ही पड़ रहा है। वो समय अब नहीं रहा, और आने वाले समय और विकट होने वाले, कोरोना हो या यहाँ का आज के देश का जो पॉलिटिकल सिचुएशन हो, जो भी हो, सब खतरे के कतार में। तो ये सब देखते हुए मैं मानता हूँ कि मेरे लिए एक भाग्य की बात है कि मुझे ऐसा एक जगह मिला, ऐसा एक मौका मिला है कि मैं अपना जीवन जो है कोई सही काम में लगाया जाए। क्योंकि जब भी अनशन पर बैठता है कि मन में यही बात है कि अगर इतना इतने बड़े सिविलाइजेशन है, जहाँ एक मछली से लेके एक इंसान तक, अगर मेरा अगर शरीर भी चले जाएंगे, अगर उससे कुछ हो जाएगा तो ये तो बहुत बड़ी काम है, और उसके लिए वॉलंटियर करने के लिए मेरा एक मुझे एक मौका मिल जाएगा, तो वो एक बाकी की बात मानते ही चलते हैं। और ऊपर डैम्स के भी बात हो, जो डैम 7 फरवरी को जो डैम टूटा था ग्लेशियर से जो हुआ था, वो डैम्स तो पहले से साना जी के टाइम से ही उन्होंने मांग कर रहे थे कि 4 मेन डैम्स थे, उसमें से एक डैम ये भी है, इसको भी बंद किया जाए, पर सरकार माना नहीं। और 2019 में जो मेरा अंश समाप्त हुआ उसमें तो सरकार का मिनिस्टर ने भी ये लोग माना था कि ठीक है हम लोग आपका सारा बात मान लेंगे, और डैम्स के भी विचार आए, डैम्स के भी आगे जो है हम लोग इस पे इसको भी बंद करने के लिए तैयार है, और हमारा प्राइम मिनिस्टर प्रतिबद्ध है।
तो उस समय बाद सरकार मानने का मेन मतलब ये था कि मेरा अनशन चल रहा था, तो उस समय 10 दिन बाद 19 दिन बाद बनारस में इलेक्शन था मोदी जी का, और उस समय अगर मेरा शरीर चला जाता तो मोदी के लिए इम्पैक्ट बढ़ जाएगा वोट पे, तो उसी डर के मैं उस समय सारी चीजों को लिख के दिया था। पर उसके बाद जो है कुछ नहीं दिख रहा था, और आज के टाइम में तो खनन भी खोल दिया गया है और डैम्स का भी काम चालू कर दिया जाता है ये लोग। अब प्रकृति जब अपने आप टेक ओवर करेगी तो अपना काम करेगी करेगी, और जैसा पुराणों में भी लिखा है कि प्रकृति को तो माँ के रूप में दिखा है, एक हाथ में वर मुद्रा है, दूसरे हाथ में खड़ग है, खड़ग है। तो जो प्रकृति के शरण में आएगा उनको तो हमेशा प्रकृति बचा के रखेंगे, और प्रकृति भी रोक रहेंगे, उनका तो होना ही है नाश, तो आज के टाइम में हो रहा है। पर उसका बलि हो रहा है आम आदमी जो कुछ नहीं जानते हैं, वो बलि हो रहा है। और अगर हरिद्वार में, अगर उत्तराखंड में आपको बिजली चाहिए भी चाहिए, उत्तराखंड को कहते हैं कि पावर वो बनाएंगे, क्या कहते हैं, हब बनाएंगे, पावर हब उत्तराखंड को। अब ये जो शब्द है यही कहते हैं कि ये इन लोगों का मंशा जो है ठीक नहीं है, क्योंकि जब पहली बार उत्तराखंड में डैम्स का प्रपोजल आया था तो पहले ये लोग मिनी डैम्स होता है उसको माइक्रो डैम्स बोलते हैं, तो वो डैम्स क्या होता है, वो छोटे छोटे पहाड़ में जो गांव होते हैं वहीं पर छोटे छोटे जो जनरेशन वो बनाए जाए, जिससे प्रकृति का रुकावट भी ना हो बहाव का, और जो है बिजली भी जितने आवश्यकता उतना बन जाए। पर सरकार देखा है उसमें तो कोई कमीशन है ही नहीं, बड़े बांधों में कमीशन आ रहा है, बड़े बांध वर्ल्ड बैंक तक लोन मिल रहा है, तो कमीशन के चक्कर पॉलिटिकल सेल्फिशनेस के चक्कर ब्यूरोक्रेसी के जो करप्शन के चलते ही है, जो आज के टाइम में ये जो जितने त्रासदी उत्तराखंड के जितने त्रासदी हो रहा है, गंगा जी का जो आपदा हो त्रासदी, ये सब एक पॉलिटिकल सेल्फिशनेस पॉलिटिकल करप्शन के चलते हो रहा है। और जनता आज के टाइम में आप देख ही रहे हैं कि जनता कितना वो है, जब 15 लाख में लोग वोट दे रहे हैं तो ऐसी जनता से क्या होगा, ऐसा ही होगा, यही हाल होगा। तो उसके बाद अब हाल में ही गुरुदेव जी का भी अनशन समाप्त हुआ, इससे पहले साध्वी पद्मावती जी का अनशन चली, जब उन्होंने अनशन पर बैठी थी तो पद्मावती जी यही कही थी कि जब आप नारी शक्ति आगे आई, और हम लोग भी सोचा नहीं सरकार, तो जब एक नारी बैठ रही है, एक साध्वी बैठ रही है, एक 23-25 साल का एक साध्वी बैठ रही है, तो सरकार में चेता एक सेंसिटिवनेस आएगा, पर हम लोग वो बिल्कुल नहीं देखा, सरकार तो सीधा उल्टा ही देखा दिखाया अपना, इनको ले गया जबरन उठा के दून हॉस्पिटल ले गया, और वहां इनको गैस पॉइजन गैस का वो कर दिया था, और उन्होंने उस समय कंप्लेन भी किया कमरे में एक अजीब सा स्मेल आ रहे हैं, पर कोई कुछ नहीं किया, उसके 24 घंटे के अंदर वो वापस छोड़ भी दिया। और यहाँ आने के बाद पद्मावती जी में जो डिग्रेडेशन शुरू हुआ उनका, वो होते होते 10-15 दिन के बाद जो है उनको एम्स दिल्ली ICU में एडमिट होना पड़ा, और वहाँ भी जिस हॉस्पिटल एम्स दिल्ली में ही ICU में भी रहा, और करीब 6 डॉक्टरों का पैनल भी बैठना पड़ा इनको रिवाइव कर। और उसका आफ्टर इफेक्ट क्या है कि आज के टाइम में साध्वी पद्मावती जो है चल नहीं पा रही है, व्हील चेयर पे है, पर धीरे धीरे वो रिकवरी कर रही है। फिर भी ये है हकीकत, ये है सरकार बाहर नमामि गंगे नाम से, जैसा नमामि में क्या एक संस्कृत वर्ड है, नमामि मतलब आप एक संस्कृत वर्ड लगा दिया गंगा जी के आमने सामने और लोगों को बरगला रहे कि देखो हम बहुत बड़े काम कर, और हकीकत क्या है कि गंगा जी को बेचने का योजना बना रहे हैं। यहाँ आप गंगा किनारे रहने वाले लोग जानते हैं कितना सीवेज गंगा जी में जा रहे हैं, आप मामूली सी बात है, एक म्यूनसिपालिटी का जो सीवेज प्रोड्यूस हो रहा वो इलाके का जो सीवेज होगा वो उसका क्लीनिंग वहां का म्यूनसिपालिटी देखना चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो वहाँ के लोकल लोग जाके म्यूनसिपालिटी को कह सके, डायरेक्ट उन लोगों को पकड़ सके, देखो तुम क्लीनिंग नहीं कर रहे। अब 250,000 किलोमीटर स्ट्रेच जो है गंगा जी का, पूरा STP का जो है कंट्रोल पावर दे दीजिए एक सेंट्रल संस्था को, NMCG। एक आम आदमी जब देखेंगे गलत हो रहा है तो वो कैसा वहां जाके शिकायत करें, उनका कितना बात मानेंगे। तो ये सब जानबूझ के कर रहे हैं ताकि लोगों का आवाज उठ ना जाए और वो लोग जो चाह रहे हैं वो करते रहे। और अभी जो STP भी जो है जो बन रहा है, तो सानंद जी कहा है वो बात है कि STP जो बना हुआ है आज के टाइम में जो गंगा जी किनारे, तो वो STP में वो क्षमता नहीं है कि आप आर्सेनिक लेड इस तरह का टॉक्सिक मेटीरियल को हटाया जाए पानी से,
वो तो मामूली स्लरी जो है हमारा किचन का जो वेस्ट हुआ, मामूली मिट्टी हुआ, स्लरी छोटे मोटे हुआ, वो उसको डिपोजिट करेंगे और उसके बाद जो पानी आ रहा है उसको तो गंगा जी में सीधा डाल रहे हैं। एक तरह से हम टॉक्सिन को ही कॉन्सेंट्रेटर करके गंगा जी में डाल रहे हैं। तो और गंगा जी यहाँ हरिद्वार में भी बात दूसरा है कि यहाँ जो ऊपर से जो गंगा जी का पानी आ रहा है उसका 96% वाटर जो है उसको तो गंगा के कैनाल से जो है डाइवर्ट करके दिल्ली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सब जा रहे हैं, और केवल 4% पानी रह गया है मेन गंगा, और वो गंगा वो पानी भी जो है जाते जाते कानपुर तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाता है। फिर जो मिल रहा है वो यानी प्लेन का जो ट्रिब्यूटरीज का जो वाटर हो या एसटीपी का जो वाटर हो वो सब है। तो हकीकत आज के टाइम में जो गंगा जी सुंदरबन में जो और देखेंगे तो आपको ये 93% वाटर जो इरिगेशन तानाजी भी कहे, हम इरिगेशन तानाजी इरिगेशन डिपार्टमेंट भी रह चुके थे, उन्होंने कहा अगर आपको गंगा जी का पानी चाहिए भी 96% वाटर का जो तादाद है ये इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। और इस क्योंकि पानी इतना ज्यादा ले जा रहा है तो क्योंकि आपको अपना अलग से जैसा कोयला का जो धोना धुलाई होता है और कई सारे चीज है इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, और वहाँ का कई सारे मतलब आज के टाइम में हरिद्वार में ही देखेंगे यहाँ म्यूनसिपालिटी नाम का कोई चीज है ही नहीं। अगर कहेंगे है नाम के लिए है, क्योंकि यहाँ पहले जो इतने हरे भरे जगह थे कई सारे, अगर गूगलर देखेंगे इस हरिद्वार को 10 साल पहले और आज का, तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 80% यहाँ का जो ग्रीनरी है वो खत्म हो चुका है, सब फ्लैट बिल्डिंग हो चुका है। अब इतना ज्यादा फ्लैट हुआ, इतना सारा अपार्टमेंट हुआ, कॉलोनीज हुआ, इसके लिए पानी तो चाहिए चाहिए। अनप्रेसिडेंट रूप से जो है आबादी बढ़ते जा रहे हैं और कोई सरकार का ध्यान नहीं रहा, और पानी का जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो पानी वहां डाइवर्ट होते जा रहे हैं, और वही पानी क्या है इन द एंड जो है घूमते फिरते सीवेज के रूप में वापस गंगा जी। तो गुरुदेव जी हम लोगों का जो मेन मांग है जो सानंद जी का मांग थे उसमें तो पहली बात ये था कि जो डैम्स जो हिमालय में बना हुआ है वो अनऑफिशियल रूप से सरकारी अधिकारी ही लोग, NMCG के हो कोई भी अधिकारी लोग, टॉप ऑफिशियल वो लोग कह रहे हैं कि हिमालय में डैम्स फीसिबल नहीं है। फिर पूछते हैं कि क्यों बना रहे हैं आप, तो कह रहे हैं वो हंसते हैं क्योंकि ऊपर से वो लोगों का अपना स्वार्थ है, उनका नहीं ऊपर का जो मिनिस्टर हो जो भी हो उन लोगों का स्वार्थ है। तो मेन चीज है कि गंगा जी में जितने बांध हुए सबको हटाया जाए, और जो बन चुका है वो जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसको तो तुरंत बंद कर सकते हैं, और जो प्रपोज है वो तो होना ही नहीं है, और जो बन चुका है वो डैम तो आज के टाइम में टिहरी का डेप्थ कितना है ये सरकार नहीं दिखा रहे हैं। श्रीनगर डैम जाके देखेंगे तो डैम के बीच में टैप आइलैंड बन गया, क्योंकि इतना ज्यादा सिल्टेशन हो रहा है तो डैम के आने वाले 3-4 साल में ऐसे ही डैम को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी तरीके सिल्टेशन हो चुका है, पानी अब डेप्थ जो है वो सब खत्म हो गए। तो धीरे धीरे जो है 5-6 साल लेके डीकमीशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं, वहां के जनता भी करेंगे बात नहीं, अगर नहीं करेंगे तो दोबारा ऐसा एक आपदा आएगा। अगर ये जो बीच में जो ग्लेशियर टूटा था तपोवन विष्णुगढ़ में, अगर ये ग्लेशियर मानसून के टाइम में टूटता था तो 2013 से भी बहुत बड़ा आपदा था ये, और ये केवल एक इंडिकेशन दिया है गंगा जी अपने तरफ। तो हम लोग अपने से सोच समझ के अगर सरकार ये करें, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार करेंगे, सरकार तो हक पूरी सरकार है, तो अगर हम लोग ही कम से कम आवाज तो उठाए, क्योंकि जैसा होता है ना वहाँ जब आग लग रहे हैं हमारा पड़ोस के घर पे, तो हम लोग कम से कम आवाज तो दे उसको, देखे तुम्हारे छत पे आग है तुम बाहर निकल के आ, कम से कम वो काम तो कर सकते हैं। तो जितने हिमालय में डैम बने उस सब चीज को निरस्त करे, वाले टाइम लेके डीकमीशन करे जो बना हुआ। दूसरी चीज है कि गंगा जी के लिए एक ऑटोनोमस बॉडी बने जिसमें सरकारी या ब्यूरोक्रेसी किसी का दखल ना रहे, और उसमें केवल गंगा जी का स्टेक होल्डर्स हो, जैसा गंगा जी के लिए जो काम किए हैं और जो टेक्नीशियंस है और गंगा भक्त लोग हैं वो लोग रहे, ताकि गंगा जी का काम सही तरीके से बिना कोई दखल का स्वार्थ दखल का काम हो। और तीसरी बात यह है कि एक एक्ट बने गंगा जी के लिए, और आज के टाइम में सरकार कहते हैं कि हम एक एक्ट बना चुका है और उसको लागू करेंगे, पर वो एक्ट जो सानंद जी ने ड्राफ्ट किया वो एक्ट है, सरकार का ड्राफ्टिंग जो है गंगा जी का जो एक्ट को लेके, उस ड्राफ्ट में इतना तक है कि शिपिंग डिपार्टमेंट को भी एक पार्टी बना दिया उस एक्ट में, ताकि आगे जाके यहाँ जहाज चलाने के लिए कैनाल बनाएंगे गंगा जी, वो सरकार का नहीं, गंगा सानंद जी ने जो कहा वो वाला है।
तीसरा माँ, और चौथा माँ है कि हरिद्वार में और हाईएस्ट फ्लड प्लेन से गंगा जी का, हायर प्लस है इंक्लूडिंग हरिद्वार, इन लोग इन इस जगह में खनन बिल्कुल ना हो। और पांचवी ये है कि गंगा जी को लेके जो एसटीपी का जो डिस्चार्ज हो रहा है आज के टाइम में, जो जिस टेक्नोलॉजी के लेके ये लोग एसटीपी बना रहे, वो बहुत कन्वेंशनल है, मतलब तो बहुत पहले से चला आ रहे, उसी को चलाते आ रहे। अभी जो नया टेक्नोलॉजी है, जो फीसिबल है, जो कॉस्ट इफेक्टिव है, उसको यूज किया जाए, और जो पुराना जो है उसको ना यूज किया जाए। और गंगा जी का जो एसटीपी का जो अधिकार है, उसका जो अधिकार वहां का लोकल बॉडी को दिया जाए, ताकि लोग सवाल उठ सके डायरेक्टली जाके, अगर नहीं होगा तो। ये जैसा एनएनसी जैसे संस्था को जब ऊपर टॉप मोस्ट में देंगे, आम आदमी कैसे पहुंचेंगे वहां तक। तो इन सब मांगों को लेके संघर्ष चल रहा है, और देखते हैं। या हमारा तो ये, मेरा ही नहीं पूरा आश्रम, किसी का भी ये उम्मीद नहीं है कि हम ये काम करेंगे, हम ये करके रहेंगे। हम ये है कि हम कोशिश करेंगे, अगर इस कोशिश में शरीर भी चला जाएगा तो वह खुशी की बात है, तो कि ताकि आगे आने वाले एक आने वाले सन्यासी को भी ये देखे कि देखिए हम लोगों के लिए क्या क्या ये, हम लोगों के लिए वो अपना जान दे, आने वाले फ्यूचर भी कहना कहेंगे कि हम लोगों के लिए जो है वो लोग उस समय वो लोग शरीर त्याग दिया। तो एक हमारा एक साधु है, एक सन्यासी होते हुए हम लोग नारेबाजी कर नहीं सकते, किसी के हाथ उठाने से हम तपस्या कर सकते हैं, तो हम वही कर रहे हैं तपस्या शांतिपूर्ण रूप से जी। तो इतने में मैं अपना पाता हूँ जी। तो स्वामी जी, जैसा आपने कहा कि आप एक तपस्या कर रहे हैं, और सानंद जी ने भी वही संदेश दिया, तो और एक बात आपने जो बहुत अच्छी कही कि अब अधिकार जो जो इसकी मांग उठाते हैं या इसका विरोध करते हैं, उनको एक खतरा भी उठाना पड़ता है, जान का खतरा, और वो उठाना ही पड़ेगा। मतलब इसका कोई विकल्प नहीं है कि आप बहुत सुरक्षित रह करके ऐसे बड़े लोगों का विरोध कर सकें जी, और कोई उपाय जी जी। तो बहुत सारे साथी, बहुत सारे लोग तो चाहते हैं इसका विरोध करना चाहते हैं, लेकिन जब वो खतरे देखते हैं, उसके रिस्क देखते हैं, तो शायद वो अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। लेकिन ये इससे कोई बात नहीं बनेगी, और अब एक सर्वाइवल का टाइम आ गया है। मतलब ये अब केवल ये नहीं रहा है कि एक छोटा मोटा वो है, ये तो ह्यूमन सर्वाइवल पे ही खतरा है। तो जैसा कि एक फेमस एनवायरमेंटलिस्ट ने कहा है कि अब नेचर को ह्यूमन पे डिपेंड कर रही है सर्वाइवल के लिए, ये स्थिति आ गई है। और इससे हमको, आप जैसे संत लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है कि अपने जीवन के आगे भी सोचना चाहिए, और इस प्रकृति को बचाना है, ब्रह्मांड को बचाना है। आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सबके लिए संभव नहीं है इतना कर पाना, लेकिन हाँ साथ में खड़ा होना बहुत जरूरी है। और जो हमारे और साथी हैं, शायद वो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहें, तो ये सेशन है, तो इसमें अगर आनंद जी से किसी तरीके का कोई प्रश्न कोई पूछना चाहे साथी, तो हो सकता है, प्लीज। जी हाँ, अनिल जी पूछिए जी। भाई साहब, मैं कहना चाहूंगा कि स्वामी जी, ये जो जान देने की बात चल रही है और लगातार जाने जा रही हैं, तो आपकी बात से तो हम बहुत सहमत हैं, और ये जान न दे करके कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला जा सकता कि खाओ और लड़ो, ऐसा भी तरीका हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, पर आज हमारा जो चौथा स्तंभ है उसमें एक भी स्तंभ जो है ईमानदार नहीं, एक भी स्तंभ जो सही है। हमारा इतना सारा केस हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट में भी है, जो गंगा जी को लीविंग स्थिति घोषित किया था यमुना जी और गंगा जी को, उसको बिना कोई सुनवाई का स्टे किया था, वो भी झूठ बोल के। उसमें हम लोग कैविएटर थे, और उसमें हम लोग को ये सुप्रीम कोर्ट से फोन आया कि हम इस ऑर्डर को स्टे नहीं करने जा रहे, हम बस इतना बनाने जा रहे हैं कि अधिकार किस किस को देंगे। तो हम लोग सोचा ठीक है, तो ऑर्डर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लिविंग एंटिटी तो बरकरार रहेगा। पर उल्टा अगले दिन तो उसका सीधा उल्टा हुआ, वो लोग सीधा जाके वो उसमें जस्टिस कहर दी थे, तो ईमानदार छवि है उनका पेपर में। तो और हकीकत में ये था कि वो बिना कोई सुनवाई का, वो ऐसा महत्वपूर्ण ऑर्डर जो
वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड लेवल पे इस देश को उठा सकते थे, इस तरह के एक ऑर्डर जो नदी को लीविंग एंटिटी उसको सीधा बिना सोचे समझे उसको स्टे कर दिया और केस को पेंडिंग में डाल दिया। आज भी कोई डेट नहीं लगा है उसके उस केस का। हम लोग लिखते रहते हैं पर कोई सुनवाई वहां से नहीं होता है। ऑफिशियल का भी बात हो, आज के टाइम में मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, पर अभी भी गंगा जी के मतलब टॉप मोस्ट ऑफिशियल में कई लोग जो है हम लोगों के साथ है, पर ऑफिशियली वो लोग नहीं आना चाहते हैं क्योंकि वो लोग कहते हैं कि मिनिस्टर का दबदबा इतना ज्यादा है, तो जानते ही हैं वो लोग हिम्मत नहीं है कि आप वो लोग कुछ बोले कोई कुछ करे बिना उन लोगों का सहमत का। और मीडिया का तो आपको पता ही है, हमसे ज्यादा आप ही को पता है मीडिया का क्या हाल है आज के टाइम। तो उसके जब ये सारे चीज देखेंगे तो और क्या उपाय है। अब ये है कि ठीक है हम एक साधु होने के नाते हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इतने संत जान दे चुके हैं और जब सरकार नहीं कर रही है तो जान देने से आपकी तो आपकी जरूरत है आपको आपकी देश को, और जान देने से नतीजा नहीं आएगा, इतिहास में तो लिख दिया जाएगा जैसा, लेकिन आपकी जिंदा रहने की जरूरत है। जैसा मैं और सानंद जी है, मतलब सानंद जी भी कहते थे सानंद जी जान देने के मतलब सानंद जी अगर जान नहीं देते तो हम लोगों को प्रेरणा नहीं मिलता। सानंद जी को प्रेरणा मिला था निगमानंद जी से। अगर निगमानंद जी का शरीर जाने के बाद जो है हम लोग काली मतलब कागजों में लड़ता रहता कोर्ट में जाता रहता तो डिस्ट्रक्शन तो होता जाता देखता रहता, पर ऐसा नहीं है। अभी भी थोड़ा बहुत अगर कुछ कहीं बचा हुआ है तो ये बलिदान के चलते ही है। जी जी मैं सहमत हूँ बिल्कुल कि ऐसा नहीं है, अनिल जी कह रहे हैं वो भी बात ठीक है, लेकिन जो बलिदान है कि अपनी एक परंपरा और शहीद भगत सिंह से लेकर के देखिए आप उन्होंने अपनी जान दे के देश को जगाया, तो मतलब वो मुझे नहीं लगता कि ये कोई व्यर्थ की चीज है। और ठीक है हर आदमी उतना बड़ा बलिदान नहीं कर सकता, तो अनिल जी या और लोग जिस तरीके से भी काम करना चाहेंगे मार्च करते हैं, कोई कोर्ट में लड़ता है कोई सड़क पे लड़ता है, वो सारे काम मेरे ख्याल से करने चाहिए, लेकिन हाँ इसका विरोध जरूर होना चाहिए। जिस तरीके से पर्यावरण के साथ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है वो लड़ाई आगे बढ़नी चाहिए। और कोई साथी कुछ अगर प्रश्न पूछना चाहे, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो एक 11 मिनट की एक गंगा के पोल्यूशन पे एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है, तो या कोई क्वेश्चन कुछ करना चाहे तो पूछते, नहीं तो वो छोटी सी डॉक्यूमेंट्री हम लोग देखते हैं। अभिषेक जी कुछ, अभिषेक जी कुछ। हाँ मेरा जो प्रश्न है पहले तो मैं आत्मावंदन जी को नमस्कार कहना चाहूंगा। मेरा प्रश्न जो है वो दोनों से है, नूपुर मैम से भी है और इनसे भी है कि अभी जैसे कि बात ये हो रही है कि जैसे ये एक लड़ाई लड़ रहे हैं जो कि अलग तरीके की लड़ाई है जिसमें अनशन करते हैं और वो सब मतलब अभी जान देने की, जैसे इन्होंने बहुत शहादत दी भी है इनके जो आश्रम के लोग रहे हैं, और जो मैम बात कर रहे हैं वो जैसे स्टैट्स पे बात कर रही है और बात कर रही है कि सस्टेनेबिलिटी की बात कर रही है, ठीक है कि ऐसा हमें कल्चर डेवलप करना है। पर जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये भी रहा है कि मेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है वो इग्नोरेंस है नॉर्मल लोगों की नेचर के प्रति, क्योंकि जैसे मैं इंडस्ट्री में काम करता हूँ तो हमारे यहाँ एनवायरनमेंट डे मनाते हैं वो मनाते हैं, तो एक एनवायरनमेंट डे में ऐसी हुआ प्लास्टिक के बारे में चल रहा था तो बोलने के लिए कहा गया तो समझ में नहीं आया क्या बोलूं, तो मैंने वहां पे काफी सीनियर लोग थे और जो जीपीसीबी और सीपीसीबी से जो लोग आते जो कि ये सब हैंडल करते हैं पॉल्यूशन रिलेटेड डिपार्टमेंट गवर्नमेंट स्टेट और सेंटर में वो थे, तो मैंने उनसे पूछा कि हम प्लास्टिक के खिलाफ बात कर रहे हैं बट क्या हम इमेजिन कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी को बिना प्लास्टिक के या बिना इंडस्ट्री को उसके, तो हम लोग वहां पे आके हम उसको ये फैक्ट जानते हुए कि ये चीज हो रही है खराब कर रहे तो भी हम इसे इग्नोर करते हैं, तो क्या हम ऐसा कुछ नहीं चला सकते मुहिम जिसमें कि हम लोगों का इग्नोरेंस खत्म कर सके कि वो निग्लेक्ट ना करें चीजों को, क्या ऐसा कैंपेन चलाना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा वोटफुल नहीं होगा कि लोग माने कि ये गलत है इसको रोकना है। जैसे गंगा जी के किनारे में बनारस के बात कर रहा हूँ घाट की, मैंने वहां नोटिस किया कि जो गंदगी फैल रही है उसके बारे में लोग उतना कंसर्न नहीं है कि हमने मतलब अब वो सरकार को क्या है वो तो अपना फायदा कमीशन देखेगी, उसने फंड बना दिया वो कर दिया काम चल रहा है, तो किस तरीके से लोगों को खासतौर पे आम जनता को कैसे उतना उस तरीके से
कैसे मेरा ट्रिगर कर सके कि वो लोग वो खुद उस चीज को ध्यान दें, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है क्या? जो आज के टाइम में जो समस्याएं हैं वो हम लोगों के तरफ से नहीं हुआ है, ये हमारे जो जस्ट पिछले का जो जनरेशन के लोग हैं उन लोगों ने क्रिएट किया है ये प्रॉब्लम। भले वो गंगा जी का एक छोटा सा एग्जांपल गंगा जी ही है, क्योंकि ये सारा समस्या शुरू हुआ है 1986 में, जो पहला प्रोजेक्ट ये हुआ कि गंगा जी के किनारे जो सारा ड्रेनेज को लेके गंगा किनारे एक एसटीपी बना के वहां क्लीनिंग करेंगे और गंगा जी में छोड़ेंगे। तो मैं अभी भी समझ रहा हूँ कि जो हमारा जो फ्यूचर जनरेशन अब आने वाले इस पीढ़ी या जस्ट नेक्स्ट पीढ़ी, तो वो लोग तो बात समझ ही रहे हैं। अभी भी छोटे छोटे बच्चे भी है, बच्चे जैसा प्रतिमा पांडे एक बच्ची है, तो कई सारे लोग वो लोग आते हैं, तो वो लोग तो और ब्राइट है इस मामले को लेकर और ब्राइटली सोचते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में लोग चेतेंगे, पर तब तक बहुत कुछ चीज बदल जाएगा। कई सारे सिविलाइजेशन हुआ है, कई सारा तरक्की हुआ है, पर या अभी भी हड़प्पा सिविलाइजेशन कहाँ गया? कई सारे सिविलाइजेशन ऐसे ही डिजिग्नेट हुआ, पता ही नहीं लगा कैसे गायब हुआ। तो हम भी ऐसे एक वर्ज पे आ रखा है आज के टाइम, तो आने वाले पीढ़ी तो चेतेंगे ही चेतेंगे बिना हम लोगों का, क्योंकि जब देखेंगे 10-20 साल के बाद जब इंडिया के ही लोगों के ग्रेजुएट्स जो है नदी के ऊपर रिसर्च करना पड़ता है, तो वो जाना उसको उनको जाना पड़ेगा विदेश में, क्योंकि भारत में ऐसा नदी नहीं रह जाएगा अगर ऐसे ही रफ्तार में चलता रहेंगे। तो धीरे धीरे बात बदलना ही है, पर उसमें क्या है ना, हम लोग एक तरह से एक अवेयरनेस क्रिएट करने, क्योंकि वो लोग जब सोचेंगे कि नदी को बचना इतना जरूरी है, तो वो लोग देखेंगे नहीं नहीं कुछ लोग तो इसमें काफी लड़े थे, काफी लोग जेल गए थे, काफी लोग शरीर छोड़े थे, काफी लोग पब्लिक अवेयरनेस में लगे हुए थे, तो समझ आएंगे बातों का डेप्थ। और जितने बीमारियों आज के टाइम में जो गंगा किनारे जो बीमारियां हो रही है, वो एक वेरी बेसिक चीज है कि गंगा जी में इतना ज्यादा ताकत है, बैक्टीरियोफाज जो प्रेजेंट है वो दुनिया में किसी नदी में नहीं है, वो ये साइंटिफिक स्टडी है, नीरी की स्टडी है। तो इतने ज्यादा तादाद पे बीमारी को खत्म करने का क्षमता वाला बैक्टीरियोफाज अगर गंगा जी में, अगर इसी को इसी टेक्नोलॉजी को अगर हम हार्वेस्ट करना चाहे इसी बैक्टीरिया एक बायोटेक जो हो, अगर उस तरह से अगर लोग अगर सोचने लगेंगे, तो गंगा जी को एक तरह से प्रिस्टाइन रूप में ला भी सकेंगे लोग, और उससे लाभ भी उठा सकेंगे। पूरा देश में आज के टाइम में सबसे बड़ा खतरा है कि सुपर बग्स कहते हैं, एंटी रेसिस्टेंट, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जो ये वायरसेस होता है, बैक्टीरिया होता है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो उसको किल करने का क्षमता भी गंगा जी के बैक्टीरियोफेजेस में है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। पर सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं है। जब नीरी का जो पहले का जो प्रोफेसर रहे जिन्होंने ये स्टडी कंडक्ट किया, वो कहा कि जब हम इतना रिपोर्ट जो सरकार को दे दिया था उसमें कोलरा ट्यूबरक्लोसिस कई सारे बीमारी खत्म होना शुरू होता है, तो सरकार उस स्टडी को उसी समय रोक दिया था, क्योंकि सरकार नहीं चाहते कि ये चीज सब बाहर आ जाए, पर वो जानते थे। और यही इस तरह का गंगा जी की जो असली जो इम्पोर्टेंस है, क्या है गंगा को माँ क्यों कहते हैं, मेडिसिनल वैल्यू, इस सब चीज को जब लोगों को बीच में लाएंगे और कहते रहेंगे, तो वो लोग समझ जाएंगे कि गंगा जी को वापस कृष्ण रूप में लाना जरूरी है। तो ये है, आने वाले समय लोग चेतेंगे चेतेंगे, और जो फ्यूचर आ रहे हैं वो लोग समझ जाएंगे। वो लोग तो अभी से समझ रहे हैं कि जैसा हमारा जो बेसिक जो अधिकार है उसको भी हमारे पूर्वजों ने जो है खत्म कर दिया गया। तो है, आप सही कह रहे हैं, लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है। मैं 10 साल पहले भी मैं जब अपना जो समाज देखता अपना सोचते, तो मुझे मेरा करियर ही दिखता था, मुझे कुछ और नहीं दिखता था। हाँ, मैं लाइक कर देते हैं सारा चीजों को, प्रकृति होना चाहिए, पर ग्राउंड में जाके एक पन्नी उठाना भी मेरे लिए एक मैं जो है वो इंटरेस्टेड नहीं था। तो है, पर आने वाले समय आएगा, एक समय ऐसा आने वाले है कि लोग चेतेंगे, ऐसा उम्मीद है, पर वो काफी देर हो जाएगी। वो तो मतलब कि बिल्कुल 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 देर हो, तो वो बात हो गई कि जब चोट लग गई, दर्द होने लगा, तब पता लगा कि भाई ये चीज तो डेंजरस थी, ये लग सकती थी मुझे। कहते हैं ना कि एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन हो चुका है, अभी रेडिएशन चल रहा है। हाँ, तो वो ये होना ही है, इसमें काफी सारा नुकसान होना है। कोरोना सबसे बड़ा एग्जांपल है, अब ये कोरोना जल्दी रुकने वाला नहीं है। आज भी मैं एक शाम को एक बार गाड़ी लेके थोड़ा घूमने गया था, तो मैं देखा यहाँ एक सती घाट है जहाँ लोग लाश जलाते हैं, वहाँ पीपी किट पहन के इतने ज्यादा लोग वहाँ खड़े हैं और लाशों का लश जल रहा है। तो वो देखे मन में ये हुआ कि अब एक होता है ना, प्रकृति का अपना कॉल होता है, वो कॉल ले लिए है, अब वो करेगी जो करना है, देखते हैं।
अभिषेक जी, जो आप कहना चाह रहे हैं कि अवेयरनेस पब्लिक नहीं, देखिए मुझे एक बात ये लगती है कि ऐसा नहीं कि लोग पढ़ते हैं, लेकिन मैटर है, मतलब सोशल मीडिया पे है, बहुत कुछ है, लेकिन हम वही चीज़ देखना चाहते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। तो अभी भी यूथ में ज़्यादातर जो है वो नेचर को लेकर अवेयरनेस तब होगा जब आपको उसमें कुछ अपना इंटरेस्ट रहेगा, तो वो इंटरेस्ट अभी डेवलप नहीं हो पा रहा है। और उसका मेन चीज़ है कि जो हमारा टोटल इकोसिस्टम बन गया है ह्यूमन लाइफ का, कि केवल हमको अर्निंग करनी है, वो जो एक सेल्फिश एंड है हमारा, और उसके बियॉन्ड हम नहीं देख पाते अपनी लाइफ में। मतलब हम जो भी करना चाहते हैं वो अपने कम्फर्ट जोन में करना चाहते हैं, तो ये जब तक कम्फर्ट जोन से हम बाहर नहीं आएंगे, ये डू एंड डाई की सिचुएशन है, इसको मानना पड़ेगा कि ये अब केवल अपने कमरे में बैठ करके और मीटिंग करके ये सब चीज़ नहीं हो सकती, इसके लिए मैदान में आना पड़ेगा, और ये जब रियलाइज करेंगे तो फिर सिचुएशन बदलेगी। भाई लोग जानते हैं कि ये चीज गलत है, पर वो उसको इसलिए निग्लेक्ट करते हैं क्योंकि कुछ अपने प्रॉफिट जुड़े हैं, कुछ अपने कंसर्न जुड़े हुए हैं उसमें। तो वो मतलब वो लेवल कैसे लाया जाए लोगों में कि वो सोचे कि हाँ ये मतलब मेरे को नहीं करना है, वो लाने के लिए कुछ मुहिम मतलब उस तरीके से होने, सेल्फ रियलाइजेशन ही होगा जब उनके अपने ऊपर बीतेगी चीज। जैसे वो अभी स्वामी जी ने कहा कि जब तक दूसरे का घर जल रहा है और आप दूर से देख रहे हैं कि ठीक है वो जल जाएगा, लेकिन वो जब आग आपके घर में लगेगी, जैसे ये कोरोना का ही आप देखिए अभी तक वायरस से, और ये इसका मतलब ये सीधा इम्पैक्ट है कि जिस तरीके से हम लोगों ने ऐसे ऐसे जानवरों को खा रहे हैं, जो मतलब जो वाइल्ड लाइफ के जानवर थे, वह आप चमगादड़ खाएंगे तो उसके वायरस को लेंगे ही। तो मतलब हमने अपनी सीमाएं तोड़ दी हैं, हमको बैलेंस से रहना चाहिए था नेचर के साथ, और वो बैलेंस बहुत बिगड़ गया है। तो वो रिवेंज एक तरीके से ले रही है नेचर कह लीजिए या जो कह लीजिए, वो अपने आप को बैलेंस अपना स्थापित कर रही है। तो यही मुझे लगता है कि ये बैलेंस अपने आप ही लोगों को रियलाइज होगा जब वो पानी सर के ऊपर जा ही रहा है, और अब धीमे धीमे जो अवेयरनेस बढ़ रही है यूथ में खासतौर से, वो इसीलिए क्योंकि अब उसे अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है। ग्रेटा थुनबर्ग जो 13-14 साल की लड़की है, उसने कैसे रियलाइज किया, क्योंकि मतलब उसने देखा कि उसका फ्यूचर क्या है, जब पृथ्वी खत्म हो जाएगी, जब ह्यूमन बींग ही नहीं रहेगा, तो किस चीज़ के लिए कैरियर बनाना है और किसके लिए क्या करना है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमको नेचर को बचाना। तो और कोई साथी अगर कुछ पूछना अगर नहीं चाहते तो फिर हम लोग अपना सेशन यहीं पे समाप्त करें। किसी और साथी को? प्रवीण जी, मैं एक अभिषेक जी का बात का आंसर देना चाहूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज का, बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम होती है वो कंज्यूमर की वजह से होती है। हेलो, थोड़ा इजाजत देना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा तो बाहर जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है स्वामी जी, आप जाइए, तब तक अंकित जी का हम लोग प्रश्न हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, आप मीटिंग को क्विट कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू। ठीक, थैंक यू। तो प्रवीण जी, मैं कह रहा था कि जो भी इशू होता है वो एनवायरनमेंट का, वो बेसिकली हम कंज्यूमर की तरफ से आ रहा है, बिकॉज हम कंज्यूमर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं। तो मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा कि बेसिकली इज अ केस स्टडी ऑफ यूरोप। तो वहाँ पे जो वहाँ का कंज्यूमर है वो काफी एक्टिव है, उसको जैसे वहाँ पे जो बीफ और लक्कड़ आती है वो आती है अमेजोन के फॉरेस्ट से जी। तो अभी जैसे नुपुर जी ने भी बताया कि वहाँ पे फायर लगी हुई है, तो बेसिकली वहाँ पे क्या है कि जो कुछ वहाँ के लैंडलॉर्ड्स है या हम बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम बोलते हैं, तो वहाँ के कुछ लोग हैं, उन्होंने वो जान के फायर लगाया गया ताकि उस एरिया को क्लियर करके वो खेत बना सके, ग्रेजिंग लैंड बना सके फार्मर्स के लिए जी। तो उसमें क्या था कि वहाँ पे उन्होंने फिर बीफ जैसे कैटल्स को पालना स्टार्ट किया, एंड जो उसके फॉरेस्ट की लकड़ थी एंड उसको उन्होंने यूरोप भेजना स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ के कंज्यूमर्स को जैसे पता लगा कि जो हम बीफ खा रहे हैं वो उस लैंड पे उनको ग्रेस किया गया था, बफलोस को, कैटल्स को। सेकेंडली, एंड जो लकड़ आ रही है वो जंगलों को जला के या जंगल को काट के डिफोरेस्टेशन एरिया से लकड़ आ रही है, तो उन्होंने उन प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर दिया जी। तो इसका रिपरकशन ये हुआ कि जो वहाँ की कंपनीज थी यूरोपियंस की, जो वहां से प्रोडक्ट ले रही थी अमेजोन से, तो उन्होंने फिर फर्दर प्रेशर बनाया उन पे जो वहां से लोकली प्रोक्योर करते थे कि हम आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे जब तक आपका प्रोडक्ट सस्टेनेबल लैंड से नहीं होगा। तो फिर उसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी कंपनीज को वो करना पड़ा कि पब्लिक प्रेशर की वजह से कंपनी हैज टू प्रोक्योर दोस रॉ मटेरियल सस्टेनेबली।
सो मुझे लगता है इसका यही तरीका है कि जैसे इग्नोरेंस की बात कही गई थी कि इग्नोरेंट, हाँ हम इग्नोरेंट है बिकॉज हमें पता ही नहीं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हम प्लास्टिक जो हमारे चिप्स आ रहे हैं या हमारी कोल्ड ड्रिंक आ रही है, उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है। तो इसका, इस पर एक पॉलिसी बननी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि हर प्रोडक्ट के पीछे जैसे लिखा होता है कि उसमें फैट कितना है, शुगर कितना है या कार्बोहाइड्रेट कितना है, उसी तरीके से एक और टेबल बनना चाहिए कि इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कितना है, पानी पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है, लोकल कम्युनिटी पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है, एयर पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है। जब तक कि लोग इन्फॉर्म नहीं हो गए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पे, तब तक ये चीज चलती रहेगी। तो आई थिंक इग्नोरेंट इज अ राइट वर्ड एंड राइट नॉलेज इज द सॉल्यूशन टू दिस थिंग। एंड एक चीज होती है नेम एंड शेम। जो कंपनीज अगर गलत काम कर रही है तो उनको हमें पब्लिकली शेम करना चाहिए। वी शुड नॉट हाइड अवे। हमें व्हाट्सएप स्टेटस पे, लिंक्डइन पे, जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिले किसी कंपनी के बारे में, हमें उनको शेम करना चाहिए। जैसे इफ वी टॉक अबाउट वॉक्सवैगन, वर्ल्ड वॉर टू में वॉक्सवैगन ने हॉलोकॉस्ट में जर्मनी गवर्नमेंट को स्पॉन्सर किया था। इसके अलावा कोकोकोला कंपनी थी, बीएमडब्ल्यू कंपनी थी, ऑडी कंपनी थी, काफी कंपनी थी जिन्होंने वर्ल्ड वॉर टू में जर्मनी गवर्नमेंट को एक तरह से असिस्ट किया था, हिटलर को ऊपर लाने के लिए असिस्ट किया गया था। तो बाद में उन कंपनीज को नेम एंड शेम किया गया था, एंड अभी भी वो कंपनीज जू कम्युनिटी को उन्होंने कुछ हर्जाना भरा था ड्यू टू दिस नेम एंड शेम थिंग। आई थिंक नेम एंड शेम इज अ बिग थिंग, एंड हमें कुछ भी पता लगता है किसी कंपनी के बारे में दे आर डूइंग रॉन्ग थिंग, वी शुड पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ पे भी हमें कुछ। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा। लेकिन अंकित जी, इसमें मतलब मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो इंफॉर्मेशन है ना, तो ये इंफॉर्मेशन भी तो बहुत ही मतलब उसमें सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। इंफॉर्मेशन कैसे आप बिल्कुल मतलब उसकी इंटीग्रिटी कैसे तय करेंगे? मीडिया बहुत हद तक बिका हुआ है, वो जिस तरीके के इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना चाहते हैं वो उस तरीके से कर लेते हैं। तो कम से कम अपने देश में तो हम तो यही देखते हैं कि बहुत गलत चीज़ों को भी किस तरीके से जस्टिफाई कर देता है मीडिया। तो पब्लिक तो उसी तरीके से, पब्लिक के पास इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है? पब्लिक के पास इंफॉर्मेशन का सोर्स यही सोशल मीडिया है या आपका जो जनरल मीडिया है, और वो बहुत सही इंफॉर्मेशन देता नहीं। अब तो आईटी सेल्स वगैरह बन गई हैं, बहुत पार्टियों की बन गई हैं, कंपनियां भी अपना एक स्पॉन्सर्ड चलाती हैं, तो इंफॉर्मेशन तो हमको यहीं से मिलनी है। तो मुझे तो लगता है जो बेसिक और ज़्यादा थोड़ा उस पर बेसिक पे जाएं तो हमको एक सिंपल लाइफ जीने की एक आदत डालनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा उसमें सरलता हो, जीवन सरल, जितना जिएंगे उतनी कम आपको कम्युनिटीज की जरूरत पड़ेगी। और ये जो हमारी पुरानी फिलॉसफी है इस देश की कि मतलब सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, उस पर हमें वापस ही लौटना पड़ेगा। और कोई मुझे कोई अल्टरनेटिव, वो आपके सुझाव अच्छे हैं, लेकिन वही है कि वो हम उस पर थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मतलब वही चीज़ है ना कि कम्फर्ट जोन से तो बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारी लाइफ इतनी कम्फर्टेबल है, हम इसको त्याग नहीं सकते। कुछ मिलाकर ऐसा है कि हम उसमें थोड़ा बहुत तो चेंज करने को तैयार हैं, लेकिन बहुत बड़ा चेंज करने को तैयार शायद नहीं है, और ये तैयार होना ही पड़ेगा। इस पर कोई उपाय नहीं है, बहुत ही सादा जीवन हमको जीने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी हमें लग रहा है कि इन्वायरमेंटल जैसे बड़े इशू को, क्योंकि अब वो पानी सबके ऊपर जा चुका है, अब बिना उसके कोई और बात बननी नहीं है। जी हेलो। हाँ जी, हाँ जी प्रवीण जी, नहीं सही कह रहे हैं आप, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग तो चाहिए ही, बट आई थिंक एक जब कोई स्टेप इनिशिएट करते हैं शुरू में इश्यूज आते हैं उसके, बट ग्रेजुअली वो भी सक्सीड होता है क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट है ना स्टार्ट करती है। तो हाँ सर, काफी रास्ते हैं, हमें डिसाइड करने में कौन सा रास्ता चूज करना चाहते हैं। बट आई थिंक कभी ना कहीं ना कहीं ना कम्फर्ट जोन से आना एकदम से थोड़ा सबके लिए मुश्किल होता है। जी, तो आई थिंक थोड़ा इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी, एंड इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन आएगी कि अभी जैसे ना लोग हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं तो देखते हैं कि हाँ इसमें कितना फैट है, ट्रांस फैट है कि नहीं है, सैचुरेटेड फैट नहीं है कि नहीं है, तो धीरे धीरे एनवायरमेंटल कॉन्शियस भी इसी तरीके से होंगे। एंड काफी रास्ते हैं, मुझे जो रास्ता सही लगा मैंने शेयर किया। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि अब ये सत्र समाप्त करने का समय आ गया है, और हम सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहते हैं, खासतौर से हमारे जो गेस्ट हैं स्वामी जी जाते हैं, और हमारे साथ नूपुर जी शायद अभी हैं, हाँ नूपुर जी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद नूपुर जी और सभी साथी। तो इसी के साथ इस सत्र को हम समाप्त करते हैं, और अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि वीक में एक दिन हम लोग इन्वायरमेंटल इशू को रखेंगे, जिस पर कि कुछ की डॉक्यूमेंट्री या डिस्कशन, इसमें हम लोग बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, ऐसा प्रोग्राम बनना है कि
इसमें जो थोड़ा सा मैच्योर बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, उनको भी इसमें जोड़ा जाए, क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वो एनवायरमेंटल इशू को ठीक से समझे और उस पर एक्ट करे। इसी के साथ सभी को धन्यवाद।